अभी जस्ट एकदम नहा धोके एकदम रेडी उम्रे के लिए। 1-1.5 महीने के बाद उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी खुशी होती है जब एहराम बांध के उम्रे के लिए तैयारी करो। यहाँ तो लोग आते हैं इंडिया से इतना पैसा लगा के उम्रा करने के लिए, जिनके पास दौलत भरी वो भी नहीं कर पाते, जिनका नसीब होता है बस वही कर पाते उम्रा, जिनका अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है बस वही जा पाते, वही आ पाते हैं। और उम्रा करते समय सब कुछ नहीं, बस खाली ये बैग होता है, इसमें मोबाइल है और पर्स है, और ये हाथ में गाड़ी की चाबी, अंगूठी भी उतार दिया, यानी कि अंगूठी, लॉकेट, घड़ी कुछ नहीं पहन सकते आप उम्रा करते समय। आप भी ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो, अल्लाह आप सबको भी मक्का मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। तो फिर निकलते हैं, यहाँ से सबसे पहले जाएंगे मस्जिद आयशा, जो कि 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है मेरे रूम से। मस्जिद आयशा मक्का के हदूद के बाहर है, यानी कि जो हम मक्का में रहते हैं तो उम्रा करने के लिए सबसे पहले मस्जिद आयशा जाते हैं, और जो बाहर से आते हैं यानी दोबारा उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाते हैं 2 रकात नफिल पढ़ने के लिए। तो हम जो है सबसे पहले जाएंगे मस्जिद आयशा, वहाँ 2 रकात नफिल अदा करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मस्जिद अल हरम। जस्ट 1 बजने वाला है और ये रही गाड़ी मेरी, निकलते हैं यहाँ से। ये मैंने डोर को ओपन किया, ये गाड़ी में बैक करते हैं पीछे देखते हुए। पता है जब उम्रे के लिए जाता हूँ ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक टाइम था जब काबा शरीफ को मैं कैलेंडर में देखता था, आज जस्ट मेरे करीब में रहे। गाड़ी उठाओ जा हो या बस क्या करे, हाँ पहले सबसे पहले काम है गाइस। बहुत से ऐसे लोग हैं कि 7 साल भर नहीं जाते, उम्रा नहीं करते, बहुत से ऐसे लोग हर हफ्ते जाते हैं, जिनका बुलावा आ जाता है वो चले जाते हैं, नसीब के ऊपर है गाइस। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मक्के में बुलाया है। मौत तो आज ना कल सभी क्यों आनी, लेकिन अल्लाह उससे पहले जन्नत दिखा दे, ये भी जन्नत से कम नहीं है मक्का मदीना। जब वहाँ जाओ तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, साथ में दोस्त भी है। ये आ गए भाई, सलाम अलैकुम, और क्या हाल है, चले निकले। तो गाइस 10 मिनट सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए मस्जिद आयशा, और ये रही सामने मस्जिद आयशा। आप चलते हैं अंदर, और यहाँ पर देखो एहराम बिक रहा है, छोटी छोटी ऐसी दुकानें लगाए रहते हैं जो आते हैं डायरेक्ट उम्रा करने के लिए। और ये रहा मस्जिद आयशा जाने का रास्ता, भी हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे 2 रकात नफिल नमाज, उसके बाद दुआ करेंगे, निकलेंगे यहाँ से हम लोग मस्जिद अल हरम के लिए, जो कि मस्जिद अल हरम यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर है। सबसे पहले यहाँ से हम तेल डलाते हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी में तेल नहीं ना, 10 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाते हैं, अपनी गाड़ी है इस वजह से। और ये है जमजम टावर, फाइनली हम लोग पहुँच गए। ये मैंने गाड़ी को खड़ी कर दिया, और रहा सामने जमजम टावर, जो कि थोड़ी दूर पर है, पैदल चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये वही होटल है जो बहुत दूर से दिखाई देता है, इसमें होटलें हैं, शॉपिंग मॉल है, काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। और इस तरफ लगे हुए झंडे, हम लोग ये मस्जिद अल हरम के पास आ गए हैं, और चलते हैं अब अंदर, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा। इस तरफ से हम लोग चलते हैं अंदर, और हम लोग आ गए सीढ़ी से नीचे उतर रहे। जैसे हमारी काबा शरीफ नज़र पड़ रही है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद अल्लाह से दुआ करो। अगर आपकी आँखों में आंसू आ रहे तो रोको मत, रो डालो, अल्लाह से दुआ करो, जो दिल में है सब मांग डालो अल्लाह से। और सबसे पहले चलते हैं जमजम पानी पीते हैं, कहाँ रखा है भाई, इधर ये सामने रखा है। सबसे पहले जमजम पीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और पीते हैं। सबसे पहले 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, उसके बाद तवाफ को स्टार्ट करते हैं। वो जो नीली लाइट दिख रही ना, वहीं से स्टार्ट होगा तवाफ। तो गाइस अभी हम लोगों ने नफिल पढ़ लिया है, और तवाफ करते समय ये राइट साइड के जो शोल्डर होता है ये खुला होना चाहिए, बस तवाफ करते समय। जब तवाफ हो जाए उसके बाद 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, नफिल पढ़ने से पहले उतार देंगे। सफा मरवा में जाएंगे तो फिर उसको बिना भी खोले तब भी चल जाएगा। यह है मकाबे इब्राहिम, इसी के अंदर पैर के निशान बना है, सलाम का पैर मुबारक है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ हो रहे हैं। अब पूरा तवाफ तो हो गया है, नफिल पढ़ते हैं और शोल्डर को ढाक लिए, इसके बाद जाएंगे सफा मरवा की तरफ, वहाँ पे 7 चक्कर लगाने होते हैं, चलते वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरह से रास्ता है सफा मरवा की तरफ जाने का, दिखाना। भीड़ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है आज, क्या बात है यार, काफ़ी कुछ बदल गया पहले से। ये देखो जो ना चढ़ पाए
ऐसे रेलिंग पकड़ पकड़ के चले, थोड़ा सा ढलाव है ना, ऐसे लेफ्ट लेंगे, वो है सफा की पहाड़ और उस तरफ है मरवा। माशाल्लाह कितनी भीड़ है गाइस, काफी ज्यादा भीड़ है, पहली बार मुझे इतनी भीड़ दिखाई दे रही है सफा मरवा में। अभी हम लोग यहाँ से एकदम सीधा जाएंगे, वो देखो उस तरफ से जब इधर आएंगे तब जाके दो चक्कर होगा, टोटल 7 बार करना है, उस तरफ जाकर एंड होगा 7। ये जो नीली लाइट देख रहे हैं लोग यहीं पे दौड़ते हैं, इसके बारे में भी एक वाक्य आपको बताते हैं आगे। ये देखो बस ये नीली लाइट तक दौड़ते हैं, बस ये यहाँ तक, इसके बारे में ये है वाक्य। ये है सफा और मरवा की दो पहाड़ियाँ जिनके दौरान हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भागी थी। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की अदा इतनी पसंद आई कि उसको हज और उमरा का हिस्सा बना दिया। आज दुनिया भर से आए हुए तमाम हाजी सही के दौरान वही 7 चक्कर लगाते हैं और अपने हज और उमरा की कबूलियत की दुआ करते हैं। ये है लास्ट चक्कर, अल्हम्दुलिल्लाह उमरा पूरा हो गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, दोहरे का नखिल पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा बाल काटेंगे, फिर चलेंगे यहाँ से गाड़ी की तरफ। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन कर दें और शहबाज व्लॉग ज्वाइन कर लें। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।